जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के पूरे कैंपस के बारे में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हैदराबाद के हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, जहां देश के लगभग सभी एयरफोर्स ऑफिसरों की ट्रेनिंग होती है, और जिस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है उस एकेडमी का नाम है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगल। यह एकेडमी इंडिया में तेलंगाना राज्य के मेडचल मलकाजगिरी जिले में स्थित है, जो कि हैदराबाद शहर से 43 किलोमीटर दूर है। ये रहा दोस्तों इंडियन एयरफोर्स एकेडमी का कैंपस, जो कि यहाँ से शुरू होता है और काफी एकड़ में फैला हुआ है। करीबन 7000 एकड़ में फैली हुई है, और इस एकेडमी का स्थापना 11 अक्टूबर 1967 में हुई थी। यह एकेडमी ट्रेनिंग के दौरान सारी सुविधा प्रदान करती है, जैसे कि हॉस्टल की सुविधा। ये रहा दोस्तों कैडेट्स का हॉस्टल, जो कि काफी लंबा चौड़ा एरिया में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 500 कमरे हैं और इससे FCM के नाम से ज्यादा पुकारे जाते हैं। ये रहा कैडेट्स का कमरा, जो कि किसी होटल के कमरे से कम नहीं है। दोस्तों कैडेट्स को एकेडमी में आते ही स्क्वाड्रन में बांट दिए जाते हैं। इस एकेडमी में टोटल 4 स्क्वाड्रन हैं, जिसका नाम है एक्वेनो, कात्रे, चिटनीस और ब्रार। ये एकेडमी के सबसे पहले 4 कमांडेंट थे, जिसके नाम पर ये नाम रखा गया है। दोस्तों कैडेट्स को एकेडमी में स्क्वाड्रन में बांटते वक्त ब्रांच और डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस बिल्कुल देखा नहीं जाता है। हर एक स्क्वाड्रन का अलग नाम, अलग रंग और अलग झंडा होता है। भले कैडेट्स 4 स्क्वाड्रन में बटे होते हैं, परंतु सबका एक ही एम होता है, देश का सेवा करना। यह है दोस्तों कैडेट्स का क्लासरूम, जहां पर कैडेट्स को एकेडमिक ट्रेनिंग दिया जाता है। दोस्तों ग्राउंड ड्यूटी कैडेट्स और फ्लाइंग कैडेट्स को एकेडमिक ट्रेनिंग अलग अलग दिया जाता है, ताकि कैडेट्स अपना काम में सर्वश्रेष्ठ बन सके। ये है दोस्तों ग्राउंड ड्यूटी कैडेट्स का क्लासरूम, जहां ग्राउंड ड्यूटी कैडेट्स को एकेडमिक ट्रेनिंग दिया जाता है, जबकि यहां पर फ्लाइंग कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है, जो कि आगे जाकर पायलट बनते हैं। दोस्तों ये बहुत ही खास जगह है। ये वह जगह है जहां से पायलट पहली बार आकाश में उड़ान भरते हैं और वे आगे जाकर देश के बेहतरीन पायलट बनते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एयरफोर्स एकेडमी के मेस के बारे में। यह है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी का मेस, जहां पर सभी कैडेट्स एक साथ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। पर एकेडमी के मेस में खाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। चूंकि सभी कैडेट्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए मेस में जूनियर और सीनियर को एक साथ बैठाया जाता है, ताकि जूनियर सीनियर से टेबल मैनर सीख सके। टेबल मैनर सीखना जितना जरूरी है उतना इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। प्लेट में खाने के चीज को रखने का भी खास जगह होता है, जैसे चावल प्लेट में खास जगह पर ही डाले जाएंगे, दाल डालने का भी खास जगह होता है और सब्जी डालने का भी। और आपको अपनी फोर्क और स्पून इस पार्टिकुलर मैनर में रखना पड़ता है कि खाना सर्व करने वालों को पता चल जाए कि आपको और खाना है या नहीं। अगर आप फोर्क और स्पून को क्रॉस रखते हैं, इसका डायरेक्ट मतलब है कि आपको और खाना चाहिए। इसके लिए वेटर को आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं है। एकेडमी के मेस में बहुत सारे रूल हैं, जिसमें अगर आप भोजन करने बैठ रहे हैं तो सामने बैठे सीनियर से परमिशन लेनी होती है। खाना खत्म करने के बाद फोर्क और स्पून को खास ढंग से रखना होता है, जिसका मतलब होता है कि आपका खाना हो चुका है,
और आपका प्लेट हटा दिया जाए। खाना खाने के बाद जाने से पहले आपको परमिशन लेना होता है और वह भी अपने राइट साइड से। ये है दोस्तों कैडेट्स का जिम जो मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ अपडेट रहता है। यह कैडेट्स को अपना फिजिकल फिटनेस बनाने के लिए एक खूबसूरत वातावरण प्रदान करता है। ये है एकेडमी का गेम्स रूम जहां कैडेट्स अपने आप को रिलैक्स करने के लिए इंडोर गेम्स खेलते हैं जैसे कि टेबल टेनिस, व्हील एड्स आदि। ये है एकेडमी का पीसीओ। पीसीओ में इंटरनेट कैफे भी है जहां से कैडेट्स अपने अलाउड पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एकेडमी के प्लेग्राउंड के बारे में। यह है इस एकेडमी का पीटी ग्राउंड जहां पर कैडेट्स पीटी, ड्रिल और हेल्थ रन जैसी एक्टिविटी करते हैं। इसके अलावा एकेडमी में फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल ग्राउंड भी है। एकेडमी में एक ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल भी है जहां पर कैडेट्स इंटर स्क्वाड्रन कंपटीशन के दौरान स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेते हैं। तो दोस्तों ये थी एयरफोर्स एकेडमी की पूरी जानकारी। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना क्योंकि अगली वीडियो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के ट्रेनिंग से रिलेटेड होगा और वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।